बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मम्मी पापा जो थे पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन बहुत समझदार थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी लड़की पढ़ने में ठीक है तो लोगों के कहने में क्या जा रहा है। आज शिक्षा के दम पे ही मैं इतना आगे आ गई हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं वीडियो वॉलंटियर के साथ पिछले 5 सालों से जुड़ के काम कर रही हूँ, सामाजिक सामुदायिक संवाददाता के तौर पे। वीडियो वॉलंटियर्स का काम है जैसे हम खुद अपने समुदाय में जाना, उनसे ही उनकी समस्याएं पूछना और फिर उन समस्याओं पे फिल्म बनाना। मेरे काम से बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, लड़कियों की पढ़ाई, उनकी नौकरी, बहुत सारी बदलाव हुई है। जैसे जब हम एक समस्या पे फिल्म बनाते हैं तो हम तब तक उसके साथ जुटे रहते हैं जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आप यहाँ क्या करने आई हैं? पढ़ने। आप लोग यहाँ कितने महीने से आ रही हैं? 4 महीना से। आपके लिए ये स्कूल किसने खोला है? मैम जी। सिर्फ हम समस्याओं को ही नहीं बल्कि समस्याओं के निदान पर भी हमारा काम चलता है, और विशेष तौर पे बेसिकली हमें लड़कियों की शिक्षा से ज्यादा लगाव है। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने डिस्कशन क्लब शुरू किया। 15 सदस्यों के साथ हम लोगों ने हर मंथली चर्चा करना शुरू किया और उन्हीं के समुदाय से बनी हुई अलग अलग फिल्में दिखाना। जब वो 15 लोगों की समस्या एक साथ जब जुड़ती थी ना, तो उनको ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमारी बच्ची इस प्रॉब्लम में नहीं आनी चाहिए। बहुत बदलाव हुआ इस डिस्कशन ग्रुप की वजह से। लड़कियां पढ़ना शुरू करी, जॉब कर रही हैं और खुद अपने अधिकार के लिए भी लड़ सक रही हैं। जो मेरे मन की कसक है लड़कियों को पढ़ाई को लेकर, अपने आसपास के अन्याय को लेकर, और ये कैमरे के माध्यम से मैं बहुत हद तक दूर कर पाऊंगी, तो वीडियो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो वॉलंटियर ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपने हर सवाल का जवाब ढूंढने का और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का। तो मुझे लगता है कि ये सब बिना पढ़ाई का नहीं हो पाता, और मेरे हिसाब से हमारे देश, हमारे समाज की सभी लड़कियों को अगर शिक्षा की फैसिलिटी दी जाए और शिक्षा की तरफ उनको आगे बढ़ाया जाए तो समाज का ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां न कर सके, वो भी मेरी तरह और भी आगे जा सकती हैं।